जिला बलौदा बाजार के सरसीवा में मजदूर यूनियन प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष युगल किशोर साहू ने सरकार एवं बोर्ड की मजदूर विरोधी नीति एवं श्रम विभाग के मनमाने कार्यों पर चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश के सभी जिले में एक दिवसीय धरना देकर जिलाधीश के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री रमन सिंह को मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। 15 दिवस की अवधि में मांगों का निराकरण पर नहीं होने पर यूनियन उग्र आंदोलन की राह अपनाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। पूरे कार्यकर्ताओं ने बोर्ड और सरकार के मजदूर विरोध नीति को लेकर के एक दिवसीय छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिले में एक दिवसीय धरना आंदोलन करके जिलाधीश के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह को मजदूर के समस्याओं को लेकर के अवगत कराएगा। प्रदेश महामंत्री संजय सोनवानी ने बताया कि बोर्ड की राजनीतिकरण को बंद कराने की निर्णय लेते हुए बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश मधुकर एवं कार्यालय मंत्री विष्णु पटेल को पदमुक्त कर कार्यालय मंत्री का दायित्व पुसौर से लक्ष्मण खूंटे को दिया गया। समस्त सदस्यों का पहचान पत्र जारी करने का निर्णय भी लिया गया एवं 20 रूपए अतिरिक्त शुल्क लेना तय हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ विश्वकर्मा भवन सह निर्माण मजदूर यूनियन का बैठक प्रदेश कार्यकारिणी का यहाँ सरसिवा में रखा गया, जिसमें पूरे प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित हैं। और इस बीच में हमारे साथ में सब उपस्थिति में सर्वसम्मति से जो कार्यकर्ता मजदूर हित में काम नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय हैं, उसको निलंबित करते हुए उसके साथ में नया नियुक्त किया गया है। और सभी प्रदेश पदाधिकारी ने अगली बैठक तक यूनियन का विस्तार करने का संकल्प लिया एवं पूर्व बैठक अनुसार हरिशंकर साहू को प्रसूति सम्मान चेक के माध्यम से स्वागत किया। बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि यूनियन विधान के धारा 31 को उद्देश्य पूर्ति हेतु शक्ति में लाते हुए जिला संयोजक का निर्माण कर क्रमशः बलौदा बाजार मुकेश वैष्णव, रायगढ़ रामप्रसाद लहरे, जांजगीर चांपा धनेश्वर कुर्रे को दायित्व दिया गया एवं यूनियन के रीति से कार्य करें। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष युगल किशोर साहू, प्रदेश महामंत्री संजय सोनवानी, मुकेश वैष्णव के साथ अन्य पदाधिकारी धनेश्वर कुर्रे, रामप्रसाद लहरे, संतोष सोनवानी, मनमोहन साहू, दिनेश निराला, प्रदीप चौहान, जीवन भारद्वाज, श्याम सुंदर, तेजराम सेन, हरिशंकर साहू, राजाराम पटेल, राधा राकेश, बहारता राकेश, बुद्धेश्वर श्रीवास उपस्थित थे। बिलाईगढ़ से करण साहू की रिपोर्ट।